निलॉस यूनिसेक्स सैलून एंड एकेडमी अपोजिट बदर विद्यालय वैशाली नगर अजमेर इंटरनेशनल वॉचेस कलेक्शन बाय मिनट्स टू स्टाइल मार्टिंडल ब्रिज अजमेर। इस खबर की प्रस्तुत करता है स्ट्रॉन यूनिसेक्स सैलून कचहरी रोड अजमेर सैलून जो आपको देता है स्टाइल। हम परसों शाम को मैं योगेश गुप्ता ब्रदर ऑफ तरुण गुप्ता हम परसों शाम को हमारे फादर को लेके आए थे यहाँ पर। वो बहुत ही स्थिति खराब में थे जिसमें हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब ने बड़ी मेहनत करके मोहन डॉक्टर थे उन्होंने मेहनत करके उनको जान फूंकी। वो कल पूरे दिन एडमिट रहे और कल रात को उनकी वापस तबीयत खराब हुई जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई। कोई आता था ही नहीं। इसके लिए हम थोड़ा सा आक्रोश में आ गए। उनकी मृत्यु के बाद हमसे नहीं देखा गया और हमने स्टाफ के साथ मिसबिहेव किया डॉक्टर साहब के साथ थोड़ा मिसबिहेव किया जिसके लिए आज हमने उनसे अब इस मामले पे क्या स्टाफ इस मामले पे जवाब के हमने सारे स्टाफ से माफ़ी मांगी। ठीक है। नाम आपका? नाम योगेश गुप्ता। कल सुरेश नाम का पेशेंट एडमिट था जो CPR हो गया। उनके परिजनों ने हमारे साथ अभद्र भाषा का व्यवहार किया है तरुण जी ने और नर्सिंग स्टाफ के कैरेक्टर पे उंगली उठाई है। आज वो माफ़ीनामा लेके पेश हुए हमारे सामने तो हम उनके माफ़ीनामे से संतुष्ट हैं। मरीज के प्रति हमारा कोई नेगेटिव दृष्टिकोण नहीं था। हमने 12 घंटे पूरी ईमानदारी से ड्यूटी करी है। ठीक है। आपका नाम? अनीता कुमारी। तरुण गुप्ता उनके बड़े भाई ललित गुप्ता जी आज माफ़ीनामा लेके हमारे पास आए। उन्होंने इस लिखित में तथा दिल से इस जो भी आवेश में इनसे गलती हुई या अमर्यादित भाषा का जो इन्होंने उपयोग किया उसके लिए इन्होंने लिखित में तथा सबके समक्ष माफ़ी मांगी। तो मानवता के आधार पे बाकी मरीजों को देखते हुए हमने हम भी चाहते हैं कि जिस आवेश में इन्होंने काम किया जो इनके साथ मृत्यु हुई है तो उसको देखते हुए हम भी दिल से माफ़ कर। डॉक्टर मनीष जी, हमारा मरीज आता है तो उसके लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। हमारा काम ही यही है, हमें मरीज की जान बचाने के लिए यहाँ काम करते हैं। कोई किसी प्रकार की लापरवाही के लिए बैठे नहीं है। हमें ना ही कोई मरीज से ना नाम परिजन से कोई पसंद नहीं दुश्मनी नहीं होती। हाँ, हम भी मानते हैं कि आवेश में आ जाते हैं लेकिन मानवता के नाते और मरीज भी होते हैं हमारे पास। उन सबका भला सोचते हुए हम चाहते हैं कि आगे से ये चीज़ें ना लाएं और पब्लिक में मैसेज दें कि यहाँ पर जो डॉक्टर स्टाफ सभी काम करते हैं वो अपने घर परिवार से दूर रह के दिन रात मेहनत करके खुद की खुशियों को नौछावर करके ये सारी मानवता के लिए पूरा काम करते हैं। इसमें उनका कोई भला नहीं होने वाला। वो केवल एक खुशी चाहते हैं कि बस उनका मरीज बच जाए। 24 घंटे 24 आवर्स यही कामना करते हैं कि किसी प्रकार उस मरीज को बचाया जाए। हम अपनी जी जान लगा के मरीज को बचाते हैं। फिर आप जिस तरह से ये व्यवहार करते हो इससे हमारा दिल दुखता है और बाकी मरीजों को भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो हमें तो यही कहना है कि मानवता के नाते आप थोड़ा ध्यान रखिए। हमको सपोर्ट करें तो हम आप मरीज़ और आपके भले के लिए अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि मेंटली स्ट्रेस और इस चीज़ और जिस प्रकार का आप व्यवहार होता है उसमें हमारा काम करना दूभर होता है। और कल वाली घटना पे आगे क्या हुआ? कल घटना पे यह हुआ था कि हमने जी जान करे उस मरीज को बचाया। वो बहुत ही क्रिटिकल के कंडीशन में आए थे। हमने खूब मेहनत की, उसको वेंटिलेटर पे लिया, उसको वापस जान डाली। उसके बाद में वो एक दिन रहे, फिर उनकी स्थिति खराब हो गई। उनका दिल कमज़ोर था, इजेक्शन फ्रैक्शन 15% था, लेकिन उसके बाद में वो सुबह CPR हो गए। हमारी तरफ से कुछ नहीं, फिर से हमने जी जान लगाई लेकिन हम दोबारा उनके क्रिटिकल कंडीशन थी इसलिए हम बचा नहीं पाए। साथ में इन्होंने हमारे साथ उसके बाद में दुर्व्यवहार किया, गाली गलौज निकाली, स्टाफ और डॉक्टर्स इनके बारे में गलत भाषा का प्रयोग किया। वो सभी के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका ध्यान रखते हुए आगे पब्लिक में सभी लोगों को ये ध्यान में रखना कि हम किस परिस्थितियों में काम करते हैं तो थोड़ा इस चीज़ को रखें। बाकी हमारा किसी के प्रति कुछ भी नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर मोहन।